नमस्ते, मेरा नाम यादव रेड्डी है और मैं आपको अपने घर में बने मवेशियों के घर के बारे में बताऊंगा। आपने इसे कैसे बनाया? मैंने आसपास उपलब्ध पत्थर और बालू को प्रयोग में लिया और एक कारीगर एवं सीमेंट मंगाकर इसे एक दिन में तैयार करवाया। मैंने यह ध्यान दिया कि सेट की फर्श ढालू रहे, ऐसा रहने से गोबर एवं गोमूत्र आसानी से बहकर निकल जाता है। इसके अलावा ढालू जमीन रहने से मवेशी साफ भी रहते हैं। इस सेट के ऊपरी भाग में मैंने लकड़ी को उपयोग किया है और फिर छत को घास फूस और आसपास उपलब्ध अन्य चीज़ों से ढक दिया है। ऐसा करने से बारिश के समय में हमारे मवेशी भीगते नहीं हैं और सेट के अंदर ठंडक भी बनी रहती है। मैंने मवेशियों का खाना रखने के लिए एक खास जगह बनाई है जिससे मुझे मवेशियों को घास चराने के लिए बाहर नहीं ले जाना पड़ता है। आप गौमूत्र बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? ढालू जमीन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, वो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पीछे दिख रही नाली से बहते हुए इस बर्तन में जमा हो जाए। इस बर्तन को किस तरह से रखना चाहिए जिससे कि गौमूत्र अच्छे से बर्तन में जमा हो जाए? इसके लिए मैंने सेट का एक ऐसा कोना चुना है जहाँ मवेशी नहीं जाते हैं और मेरे ख्याल से यह इसके लिए सबसे सही जगह है। अब हमने देख लिया है कि गौमूत्र किस प्रकार से उस बर्तन में जाता है। आपने जो गोमूत्र एकत्रित किया है, उसका आप क्या करते हैं? इसे बीज उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर इसका उपयोग जैविक कीटनाशक एवं जैविक खाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस पूरे काम को करने में मुझे क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यह सुनिश्चित करें कि गोबर एवं गोमूत्र आपस में ना मिलें, साथ ही यह भी ध्यान दें कि नाली एवं बर्तन दोनों साफ रहें और उसमें धूल या घास ना जाए। जब यह बर्तन पूरा भर जाए तो गोमूत्र को किसी बड़े बर्तन में डाल दें। इस बर्तन को खाली करने के बाद इसे अच्छे से किसी कपड़े या ढक्कन से ढक दें ताकि इसमें कोई गंदगी ना जाए। इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए आपका धन्यवाद।